राजस्थान होस्पिटल बोर्ड की चूंटणी जंग रसाकसी भर्यो बन्यो हतो। आ चूंटणी में एकता पेनले 12 उम्मीदवारों ने उभा राख्या हता। तेनी सामे सेवा पेनल तरफ थी 14 उम्मीदवारों ने मैदान में उतारवामां आव्या हता। जेमां शांतिपूर्ण रीते 500 मतदारों में 445 मतदान कर्युं हतुं। जेमां एकता पेनल तमाम 12 उम्मीदवारों विजेता थया छे, ज्यारे सेवा पेनल 14 उम्मीदवारों पराजय थयो छे। तो आम जोईए तो हालना सत्ताधीशो फरी विजयी बन्या छे। पहली बार राजस्थान होस्पिटल मैनेजिंग कमिटी की चूंटणी में प्रोक्सी वोट ने मान्य गणवामां नहोतो, त्यारे आ मतदान माटे दरेक व्यक्तिए हाजर थवू पड्युं हतुं। गुजरात हाईकोर्टे 28 जान्युआरीए आ प्रकारनो चुकादो आप्यो छे। दरेक सभ्य अने ट्रस्टीओने मत आपवानो अधिकार आपवामां आव्यो छे। आ मामलो हाईकोर्टमां पहोंच्या पछी प्रोक्सी विना ज चूंटणी योजवानो निर्णय लेवामां आव्यो छे, जेमां एकता पेनलना तमाम 12 उम्मीदवारो विजेता थया छे। आज टोटल 12 सीट के लिए राजस्थान हॉस्पिटल का चुनाव हुआ। ये न्यायालय के फैसले के बाद में एक नक्की किया गया कि ये प्रॉक्सी सिस्टम नहीं है। बिना प्रॉक्सी सिस्टम के हिसाब से वोटिंग हो और इसके अंदर करीब 445 वोट टोटल पड़े और उसके अंदर एकता पैनल जो है उसका एकता पैनल का प्रेसिडेंट होने के नाते एकता पैनल के टोटल 12 के 12 सीटें विजयी हुई। और सेवा चैनल जो था उसको 12 के सामने 0 सीट मिली, एक भी सीट नहीं मिली। एटले 445 वोटरोए आजे बहु सारी रीते मतदान करी अने आजे राजस्थान होस्पिटल नू गर्व ऊंचू कर्यु छे। केम के आटलू सारू मतदान आमा राजस्थान होस्पिटल नी हिस्ट्री मा नथी थयु। ए परिणाम नी अंदर बे पेनलो चालती थी। एक पेनल हती एकता पेनल અને સામે બીજી પેનલ હતી સેવા પેનલ। બારે બાર કેન્ડિડેટ જે એકતા પેનલના હતા એ વિજયી બન્યા છે અને સેવા પેનલના એક પણ કેન્ડિડેટ આમાં વિજયી બન્યા નથી। હવે જ્યારે બંને પક્ષો હતા તો અમે બધા પક્ષોને બહુ તારીફ કરીએ છીએ। ખૂબ જ સહકાર મળ્યો, કોઈ જાતની અમારે ત્યાં મેનેજમેન્ટ થી લગાડીને અમારા આ જે વોટિંગ ઇલેક્શન સુધી સાંજ સુધી કોઈ પણ પ્રકારની બંને પક્ષો બહુ સહકાર આપ્યો છે। અમે બંને પક્ષોને ધન્યવાદ આપીએ છીએ। આ રીતે જો સહકાર આપીએ તો આ ચૂંટણીઓ આપણે ગૌરવમાન બને